मुझे जवाब चाहिए हसन। अब तो जोया भी यहां है, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। बताओ तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? मैं कुछ पूछ रही हूं हसन, तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? हसन मुझे जवाब चाहिए। हमारे ख्याल से जैमी की खामोशी खुद इसका जवाब दे रही है खाला। बीच में बोलने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम इस घर को आपको अपना समझते हैं, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाए। खाला, हम जैमी को बचपन से जानते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो काम चाहे इनकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। देखिए ना, ये इस वक्त भी खामोश सिर्फ इसलिए कि आपको दुख ना हो। खाला, जैमी तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि वो इस सगाई को सगाई नहीं मानते। और अगर जैमी जोया से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद अपने मुंह से कह देते, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता था। अगर आप लोगों से नहीं कह सकते थे तो कम से कम हमसे तो कह देते ना। लेकिन देखिए ना खाला, इन्होंने हमसे भी नहीं कहा, तो इसका मतलब तो साफ है ना। जैमी जोया से हमदर्दी जरूर रखते हैं, कि उनसे मोहब्बत नहीं करते। असद, क्या तनवीर सही कह रही है? हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब आपको असद के लिए नए सिरे से लड़की ढूंढनी पड़ेगी। एक ऐसी लड़की जो इस घर के तौर तरीके और तहजीब को समझती हो, एक ऐसी लड़की जो जैमी के मन में क्या चल रहा है वो जान जाए, कि वो तो अपने मुझसे कुछ कभी कहेंगे ही नहीं। खाला, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल गया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, मुझे पता चल गया है। कि उसके दिल में क्या है।
बताओ, तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? अगर जैमी जोया से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद अपने मुंह से कह देते। जैमी तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि वो इस सगाई को सगाई नहीं मानते। तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या कहूं जोया? अगर ये बात आगे बढ़ी तो शायद तुम्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं दे पाऊं। कौन सी चीज है मिस्टर हान जो आपको रोके हुए? जो सच मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखा है, आप क्यों उसे अपनी जुबान तक नहीं लाते? आखिर मैं हूं तो जनाब राशिद अहमद खान का बेटा, ऐसा उन्होंने अम्मी के साथ किया। अगर वैसे मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाई तो मैं जानती हूँ। आप शुरू से यही कहते हैं कि मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए सही नहीं हूं, पर क्या आपको सच में ऐसा लगता है मिस्टर खान? क्या मैं इतनी बुरी हूं, इतनी गलत हूं मैं? और अगर आपको ऐसा कुछ लगता भी है तो इस ख्याल से मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? इतनी तकलीफ क्यों होती है? जब आप आस पास होते हैं तो सब कुछ इतना अलग सा क्यों लगता है? क्यों चाहती हूँ मैं कि आप मुझे पसंद करें? Why do I want you to care for me? और जब आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं, तो क्यों हर्ट होती हूँ मैं? क्या करूँ जोया? तुमसे दूर भी नहीं रह सकता और तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दे सकता। आप मुझे खुद से दूर भी नहीं जाने देते और पास भी नहीं आने देते। मैं करूं तो क्या करूं?